प्रभु यीशु ताड़ धन्यवाद कर दिया, पिता परमेश्वर ताड़ धन्यवाद कर दिया, जमीन आसमान के मालिक खालिक ताड़ धन्यवाद कर दिया, अब्राहम दे खुदा ताड़ धन्यवाद कर दिया, हालेलुया, यरमिया दे खुदा ताड़ धन्यवाद कर दिया, हालेलुया, मलाकी दे खुदा ताड़ धन्यवाद कर दिया, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई कर दिया, साडे खुदा ताड़ धन्यवाद कर दिया, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई कर दिया, पिता परमेश्वर दिल की गहराई उस ताड़ धन्यवाद कर दिया, तेरी तारीफ कर दिया, सारी महिमा सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम में दें, तुम सानू समा बख्शा कि मिलकर तेरे नाम की बड़ाई करिए, तेरे नाम की महिमा करिए, गुणगान करिए, साज बजा के प्रभु ताड़ धन्यवाद कर दिया, साड़ी आवाज़ बुलंद किया ताड़ धन्यवाद कर दिया, पिता परमेश्वर आराधना सारा समा तड़ सबुद्ध कर दिया, प्रार्थना बेनती कर दिया, प्रयात कर दिया, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ से लैक चलाना, प्रभु यीशु ताड़ धन लैट और साउंड अच्छा इंतजाम हो, तेरी महिमा तेरी बड़ाई प्रभु ताड़ धनवा कर दे, प्रभु यीशु मसीह अपने दास दासी प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ से लैक चलाना ताड़ धनवा कर दे, जो भी तेरी हजूरी ताड़ी पाक तो पवित्र हजूरी गाया जाए बजाया जाए तुम स्वर्ग राज्य पसंद आए, स्थान दिखा बंद रहे, दुटिया सारी चलांशियां फेल हो जाए, अज की राधन द्वारा अज की प्रार्थना द्वारा अज की बंदगी द्वारा सब लोग बरकत पाउन आशीष पाउन तेरे नाम की बढ़ाई हुई साड़ी दुआ सुन लिया कबूल किया यीशु नाम च मंगते हाँ आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद होए, सो असी मिलकर असी आराधना करेंगे परमेश्वर की बढ़ाई, अगला सारा समा कवैर नूं दिंदे हां, सो इन्हां नाल मिलकर आराधना करेंगे और परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे, सब नूं जय मसीह की। हालेलुया क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है ना रथ ना घोड़े ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा
हालेलुया हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर Thank you.
हालेलुया। सो असी आस करदे हां कि तुसी अज दे वर्शिप द्वारा प्रभु जी दे कोलो बहुत बरकत पाई है। इसे तरह अज दा दिन फादर्स लई बहुत स्पेशल है। अज दे दिन फादर्स डे मनाया जांदा है। सो असी अपने चर्च दे जिन्ने भी फादर्स हन उना दे लई अते इस टाइम सानू सुन रहे फादर्स लई इस सोंग नू बयान कर रहे हां। आओ असी सोंग नू मिल के गईए। मुझे उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया, पढ़ा लिखा के तूने जीना सिखाया। दे दे मुझको तूने अपनी पहचान। मेरे बाबा कैसे दुख मेरा तूने खुद पे है झेला। हर आरज़ू मेरी करता था पूरी, तेरी खुशी चाहे रहती अधूरी। तूने की है सभी खुशियाँ मेरे बाबा। गमों मुश्किलों से है लड़ना सिखाया। तेरे बिन मेरा ना है कोई सहारा, जीवन अपना तूने है मुझ पे ही बारा। मेरे बाबा जहां मेरी खुशी सारी ही क्वायर टीम वालों हैप्पी फादर्स डे और जैम सी की सब। हालेलुया हालेलुया, हाथ उठाइए हालेलुया। जैम सी की धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया।
ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਦਾਸੀ ਗੋਸਪਲ ਸਿੰਗਰ ਰੇਮਕਾ ਸੰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸੋ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਖਾਦਮ ਜਨ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸੋ ਖੁਦਾਵਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ पवित्र 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 अति पवित्र जिंदा यहोवा परमेश्वर जी तुसी अनायत खुदावन महिमा दे और धन्यवाद दे योग खुदावन खुदा तुहाडी सताइश करदे हां खुदावन खुदा मेरे पवित्र परमेश्वर जी खुदावन खुदा जो खुदावन यीशु मसीह जी तुसी अज दी आराधना नु चलाया मेरे परमेश्वर जी असी तुहाडा लख लख वारी धन्यवाद और शुक्रगुजार हां मेरे परमेश्वर जी जद कि असी बहुत खास हिस्से दे विच पहुंच चुके हां खुदावन खुदा जो तुसी अपने खादम दे जरिए खुदावन खुदा दी बाणी नू लेके आए हो खुदावन खुदा ओ बाणी खुदावन खुदा तेरे लोगा दे लिए खुदावन खुदा आशीष और बरकत दा कारण बन सके हालेलुया उस बाणी दे द्वारा प्रभु असी सब जन खुदावन खुदा तेरे नाम दे विच खुदावन खुदा वड्डी बरकत नू अपने जीवना दे विच ले सके हालेलुया और यीशु मसीह तुहाडे अभिषेक ना पर जाइए प्रभु जी ओ खालस वचन खुदावन एक एक दी बेहतरी और तरक्की दा कारण बन सके हालेलुया तुहाडा अभिषेक खुदावन इस जगह ते करे हालेलुया अपने खादम नु आग दे शोले बना के इस्तेमाल करना मेरे प्रभु यीशु मसीह आग दाता है वचन दे के खुदावन प्रभु यीशु मसीह अभिषेकित करना हालेलुया ओ बाणी खुदावन खुदा तेरे यीशु मसीह खादम दे खुदावन जरिए खुदावन जो शेर होन जा रही प्रभु जी यीशु मसीह दुनिया दे शोर तक शेर हो जाए हालेलुया तमाम लोग खुदावन इस वचन के द्वारा आशीष नु प्रभु अपने जीवन दे अंदर ग्रहण कर सकन हालेलुया सारा जलाल सारी महिमा तुहानू दिंदे हां प्रभु जी आज दे अच्छे वचन दे लई तुहाडे लख लख वारी धन्नवादी हां प्रभु जी तुहाडा शुक्र पाक और पवित्र प्रभु यीशु मसीह दे मिठा जंदा फतेहमंद जलाली यीशु के नाम से लेके मांग लेंदी हां आमीन आमीन सो मैं पास्टर रजिंदर जी नू पास्टर रजिंदर जी नू और पास्टर कुलदीप जी नू हैप्पी फादर्स डे बोलदी हां और तमाम जिन्ने भी कलीसिया दे अंदर कलीसिया दे अंदर फादर हन उन्हां सारे फादर्स नू मैं हैप्पी फादर्स डे बोलदी हाँ ये खुदा ने एक बड़ा तुहानू एक रुतबा और आदर सम्मान दिता है सो इसलिए असी बहुत शुक्रगुजार हाँ मैं दिल दियां गहराइयां तो अपने परमेश्वर दी धन्नवादी हाँ कि जिस परमेश्वर ने मैनू अच्छे पिता दे नाल नवाजा है मैनू अच्छे पिता जी दिते हैं और एक स्पिरिचुअल फादर हैं और एक जिस्मानी पिता हैं जो मेरी टेक केयर अच्छे तरीके दे नाल करदे हैं मैं बहुत धन्नवादी हाँ परमेश्वर दी सो इन्ना ही कहती हुई सारा जय मसीह दी कहती हाँ जय मसीह की हालेलुया 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 साडा पिता परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह साडा पिता है हालेलुया यीशु मसीह ने कहा है कि मैं और पिता एक हाँ हालेलुया हालेलुया सो परमेश्वर का धन्यवाद होवे परमेश्वर की महिमा होवे हालेलुया तो जे असी अज दे दिन एक प्रण करिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु असी तेरा पल्ला नहीं हो छड़ना हालेलुया हालेलुया क्योंकि ये साड़ी भलियाई है ये साड़ा भला है असी उदियां आग्या नू मनिए उदे हुक्मां नू मनिए तो उदे तो दूर कदे ना जाइए हालेलुया जिस तरह पवित्र बाइबल विच दर्ज है एक कहानी उजाड़ू पुत्र दे नाम विच बहुत सारे ये प्ले खेडे गए ड्रामा होया नाटक होया स्टेज प्ले हुए सो उजाड़ू पुत्र की करता है कि अपने पिता दे कोलों अपना जायदाद धन दौलत लैके दूर देश चला जाता है हालेलुया सो उस पिता दे दो बच्चे एक बड़ा एक छोटा छोटा चला जाता है उजाड़ उन्हें कहते हैं उजाड़ू पुत्र हालेलुया सो सचमुच उन्हें वो करके भी विखाया सो दूर देश चला गया धन दौलत खर्चिया
और जिन्ना भी उन्हें पैसा अपने पिता को लिया सी, अपनी जायदाद से हिस्सा लिया सी, वंडाया सी, वो सारा कुछ ऐशप्रस्ती विच खर्च कर दिता। हालेलुया। फिर जो वो खालम खाली होया, जद कुछ भी ना रहा, तो इतों तक कि वो रोटी का भी मुथाज होया कि रोटी भी नहीं मिली। हालेलुया। वो भीख मंगता है, वो रोटी रूटी ली इधर उधर घूमता है कि कोई मैं काम से रख ले तो मैं रोटी खाने लिए दे दे। हालेलुया। पर वो रोटी तो भी रह गया। सो एक आजड़ी को गया जिसे काफ़ी सूर से, वह कहना मैं सूरों का चारन वाला रख लो तो मैं रोटी दे दिया करो। कहता रोटी तो मेरे तो है नहीं, जो सूर खाते हैं उ तू खाया कर। हालेलुया। सो हुण वो नाले सूर चाड़ता है तो नाले अपने जीवन से झात मारता है। की खाता है? सूरां का खाना खाता है। वह कहता उन्हें याद आता अपने पिता का घर कि इतों वधिया तो खाने मेरे पिता के घर नौकरां लई आ, मैं की करदा इत्थे बैठा। हालेलुया। वो फिर वो वापसी करता है, घर वापसी करता है। हालेलुया। जो वापसी करता है तो उसका पिता दूरों उसनू देखता है कि मेरा पुत्र आ रहा है। हालेलुया। बड़ा चाह करता है पिता अपने पुत्र का, बड़ा चाह करता है। तो उन्हें कहता लियाओ, अपने नौकरों को कहता की करो जी, लियाओ इनू नवे कपड़े पहनाओ, ये पैरों में जुत्ती नवी पाओ, ये हाथ में अंगूठी सोने की पाओ। हालेलुया। मेरा पुत्र गवाचा सी हुण लभ पिया है, तो ये अच्छा भोजन तैयार करो। हालेलुया। जो उस दूजे भरा पता लगता है कि ये वास्ते इन्ना कुछ मेरा बाप कर रहा है, वो दिल में रंज होया, दुखी होया, कहना मैं पिता मैं तेरे नाल इन्ना मेहनत मेरी इन्नी खुशी नहीं की थी। कहना पुत्र तू तो मेरे नाल सदा ही है। हालेलुया। असी परमेश्वर दे नाल सदा ही है। हालेलुया। जो नवा विश्वासी आता तो सानू बड़ा चा चढ़ जाता है। हालेलुया। जो नवा कोई एंटर आता चर्च में तो सानू बड़ा खुशी होती है। सो उस लिए असी दुआ करते हैं। बाण च लिखा है जिस तरह कि कलाम पूरा होता है, पल्यो असी सकने जे दूसरे असी धनी बनाते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सचमुच। और जिन्हें भी चर्च में आते हैं मैं देखता हाँ कि वो ऐसे हालात में आते हैं तो परमेश्वर उन्होंने नवे कपड़े पहनाता है, हाथ में सोने की अंगूठी दिता है, पैरों में नवी जुत्ती दिता है। हालेलुया। परमेश्वर वह बहुत चार करता है, वो तमाम मन मनोरथों पूरा करता है। हालेलुया। सो उसके वास्ते भोजन तैयार किया गया। उजाड़ू पुत्र हुण बदल गया है। हालेलुया। हुण की है जी? हुण उचाड़ू पुत्र की है जी? बदल गया है, वो फिर अपने घर का वारिस हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पिता ओ प्रभु यीशु भी अज आवाजा मारे, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरे को आओ, मैं तेन आराम देवगा, मैं तेन शांति देवगा, मैं तेन नवी जुत्ती देवगा, नवे कपड़े देवगा, सोने की अंगूठी देवगा, नवा वर्क देवगा, नवा बिजनेस देवगा, मैं तेन ब्लैस करा। एक जोरदार ताली आके प्रभु का धन्यवाद करें। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वो साढ़े पिता का भी पिता है। हालेलुया। वो साढ़े बापा का भी बाप है। हालेलुया। जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। असी उसके को मांगते हैं। हालेलुया। असी बाप होके असी उसके को मांग रहे हैं। हालेलुया। सो पिता दी जिम्मेवारियां बहुत होंदियां हैं। सो जिम्मेवारियां पवित्र बाइबल में लिखी हुई हैं। सो आओ असी परमेश्वर का वो मैसेज सुनांगे, परमेश्वर की बड़ाई करें। एक जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करांगे। अज का मैसेज खुदा दे सेवक पासों पास्टर रजिंदर पाल पासों सुनांगे, परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। 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 यीशु के लहू की जय। हालेलुया। 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 आइए वचन सुनने वास्ते अपने आप तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर का संदेश है। वचन परमेश्वर का की है? संदेश है। सो वचन सुनना एक बहुत वड्डी आशीष की गल है। सो अज के दिन के वास्ते आप सारे नूं बहुत सारिया मुबारकबाद। जिन्हें भी बाप हैं सारे नूं मैं इस गल की बधाई देना चाहना हाँ कि
परमेश्वर ने तुहानू बाप बना के एक रुतबा दिता है और परमेश्वर ने तुहानू एक बहुत जिम्मेवारी दिती है। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, इस वास्ते बड़िया बड़िया तुहानू मुबारकां। हालेलुया हालेलुया। बोलो किहदा कार्या है जी, किहदा काम है? ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने तुहानू एक अहुदा दिता है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुहानू एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिती है। सो अजीजो, असी चर्च के अंदर जिन्ने भी दिन होंदे है उन्होंने सैलीब्रेट करते हैं ता कि हर एक दिन तो असी सीखते हैं। हर एक दिन तो बोलो असी की है सीखते हैं और बरकत मिलती है। असी जिन्ने भी दिन होंगे है और हर दिन दे विच वचन चो सीखते हैं और वचन चो सीखने नाल अजीजो सानू फिर उन चीज़ों का एहसास होंगे। हालेलुया। मैं चाहना कि आइए वचन सुनने तो पहला एक छोटी प्रार्थना अपने अपने वास्ते करिए कि मेरे तो कोई डिस्टर्ब ना होवे और मैं भी डिस्टर्ब ना हो सका। डिस्टर्बेंस के वास्ते दुआ करिए कि एक अच्छा माहौल हो जाए और कोई भी कैसा दें कि किसी को डिस्टर्ब ना कर सके। सो आइए डिस्टर्बेंस के वास्ते दुआ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा प्रभु जी तुहाडा शुक्र है, तुहाडे के बेनती है, तुहाडे के अर्ज है। हालेलुया। अज का सारा समा तुहाडे हाथ विच दिंदे हां। तुहाडी महिमा होवे, तुहाडी स्तुति होवे बाप, तुहाडा शुक्र है। प्रभु जी ये वचन तुहाडा है, ये लोग तुहाडे हन जिहड़े तुहाडे वचन सुनदे ने और प्रभु जी जिहड़ा तुहाडा दास तुहाडे वचन नूं सुना रिहा वह भी तुहाडा ही जन है। पिता दया करो, अपनी दया करो, एक एक उत्ते दया करो, फजल करो, कृपा करो। हर डिस्टर्बेंस यीशु मसीह दे नाम विच बंद रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। बोलो हालेलुया। हाँ जी, जदों असीं दिनां दे विच बारे सीखदे हां और हर एक दिन तो वचन दे विचों सीखना सानू बहुत सारी बरकत मिलती है, बड़ी सारी आशीष मिलती है। अजीजो असीं सीखदे हां और असीं मजबूत होंदे हां। बोलो हालेलुया। बुद्धि वधदी है, ज्ञान वधदा है। जान फादर जिहड़े हन उन्होंने वास्ते गल की जाएगी। सो एक है जिस्मानी गल, फादर वास्ते एक की है जिस्मानी, धरती दी गल है जिस्मानी गल हन और एक है जी वचन दे विचों। बोलो हालेलुया हालेलुया। दोनों नूं सीखना है, जिस्मानी तौर पर भी सीखना है ते वचन दे विचों भी सीखना है। और जे सीख लवांगे ते ओ गल्लां दिमाग विच काम करनगियां और लाभ होवेगा। सीखण दा नाम बोलो की है? लाभ। हाँ, थोड़ा उच्ची बोलो। लिखण दा, सीखण दा की मिलेगा? लाभ। सीखण दा लाभ मिलेगा, असीं लाभ लेना है ना, फायदा होएगा है ना। आइए सुनिए, बड़े ही ध्यान नाल सुनिए क्योंकि पिता जो हैं उन्हां दी बहुत सारी जिम्मेवारी है और वचन सिखाता है कि अपने बाप की कदर करनी है, अपनी माँ की कदर करनी है क्योंकि माँ बाप एक जोड़ा है, दोनों नूं अलग नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है? नहीं। सो वचन भी कहता है कि एक जोड़े नूं अलग नहीं किया जाए। सो दोनी एक हैं। सो वचन में जिथे भी जिक्र आया है ज़्यादा करके दो का जिक्र आया है, ज्यादा करके किन्ने का जिक्र आया है जी? दो का ही जिक्र आया है। सो माँ बाप दोने ही एक हैं। सो वचन सानू दोनों की इज्जत करने वास्ते सिखाता है। सो असी देखते हैं कि बाप की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होंगी है। बोलो हालेलुया हालेलुया। जिस्मानी तौर पर असी सीखते हैं कि बाप बहुत बड़ी जिम्मेवारी रखता है और असी देखते हैं कि बाप अपनी जिम्मेवारी में लगे रहते हैं, कितना मेहनत करते हैं अपने बच्चों वास्ते, अपने परिवार के वास्ते कितनी मेहनत करते हैं। बाप जो नहीं भी कर सकते वो भी करने की कोशिश करते हैं। बाप कितना, बाप के विच कितना प्यार है, बाप अपने बच्चों नूं कितना प्यार देंदे हैं और बाप के द्वारा बच्चे कितना बाप प्यार नूं लेंदे हैं।
सो इस करके अजीजो बाप की एक बहुत बड़ी कदर है जो कि सिख के सी करनी है। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। एक बाप है जिस्मानी हालेलुया हालेलुया, एक बाप है रूहानी बाप है, जिस्मानी की भी इज्जत करनी है और रूहानी और रूहानी बाप की भी इज्जत करनी है क्योंकि प्रभु का वचन सानू दोनों ही बापा की इज्जत करनी सिखाता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करना। आप एक छोटी प्रार्थना की तो हम तुम बड़े ही शांत होकर बैठे हो और इस तरह सुनते रहना और जो सुनोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा ही गल। जे असी पिछले दिनों कुछ मिसटेक भी की है तो अज जरूर एहसास होएगा कि मैं कुछ इदां दा अपने बाप ना अच्छा नहीं कर सकिया। सो मैं अज तो लैके फैसला भी जरूर करोगे और जदों भी सीखदा इंसान खास करके जदों भी प्रभु दे वचन विच सीखदा है ते उहदी कमजोरी की है निकल जांदी है। बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। जिहड़े भी लोग प्रभु दी बाणी दे विचों सीखदे है उहनां दी कमजोरी की है निकल जांदी है और असी बाप की कदर करना सीखते हैं, मां की कदर करना सीखते हैं, वड्डियां दा कदर करना सीखते हैं, असी सब की कदर करनी सीखते हैं और जदों असी सारा कुछ नूं पूरा करते हैं तो प्रभु की आशीष साढ़े जीवन में काम करती है। हालेलुया हालेलुया। सो बालकां दे वास्ते बच्चों के वास्ते जिहड़े बाप हन वह हमेशा ही कोशिश दे विच रहिंदे कि असी अपने बच्चों के वास्ते बहुत कुछ करिए। रूहानी जिस्मानी गल है और जिहड़े बाप अपनी रूहानियत नूं समझ जांदे है रूहानियत विच आ जांदे है वह अपने बच्चों के वास्ते कितनियां प्रार्थना करते हैं, बच्चों के वास्ते कितनी आशीष मांगते हैं और परमेश्वर दे के अपने दिल नूं खोल के प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों वास्ते और जिदा ही कहते हैं उदा ही हुंदा भी है। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। एक बाप के जिहड़े सुपने है वह प्रभु जी पूरे कर देंगे। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। एक बाप के सुपने कौन पूरा करता है? प्रभु जी। बोलो कौन करता है? प्रभु जी। प्रभु जी बाप दे सुपनियां नूं पूरियां कर दिंदे है। सो मैं दसना चाहुंदा हां इस गल नूं बहुत दोहरा के करना चाहुंदा हां कि जिन्ने भी बाप बैठे हन वो वचन नूं बहुत ध्यान नाल सुनन और अपने जो भी अज तक तुसीं जिम्मेवारियां नूं निभा सके हो प्रभु दा धन्नवाद और जे कोई कमी रह गई है तां अज वचन दे द्वारा निकल जाएगी। बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ जी आओ असी देखते हैं कि बच्चों की जिम्मेवारी बाप के प्रति की है क्योंकि जो बाप इतनी जिम्मेवारी रखते हैं तो बच्चों का भी फर्ज है और ये सानू बाणी सिखाती है कि असी अपने बाप का कदर करिए मां की कदर करिए। एक मां बाप एक जोड़ा है, मैं पहला भी बोलिया मां बाप एक जोड़ा है। सो बच्चों ने अपने बाप की कदर करनी है और अपनी मां की कदर करनी है, सारे ही वड्डियां की बहुत सारी कदर करनी है। असी बचन चो सीखांगे। हाँ जी वचन पढ़िए आपसियां 6:1-2। हालेलुया जल्दी बढ़िए। हालेलुया हालेलुया। अपसियां 6:1-2। हालेलुया। हे बालको हाँ जी तुसी प्रभु विच हाँ जी अपने मापियां दी आज्ञाकारी करो। हाँ जी की लिखा हे बालको तुसी प्रभु दे विच हुंदिया होया अपने पेरेंट्स दी अपने मां बाप दी की है आज्ञाकारी करनी है, उन्हां दे आज्ञाकार बन के रहना है। ये परमेश्वर दी आशीष है, ये परमेश्वर दे वचन हन। हालेलुया हाले हे बालको
एक दो नहीं क्या क्या सारे ही बालकों वचन उपदेश करता है। हाँ जी सारे ही बालकों परमेश्वर का वचन उपदेश करता है कि हे बालको हाँ जी तुसी प्रभु विच तुसी प्रभु दे विच अपने मापियां दे आज्ञाकार रहो। हालेलुया हालेलुया की लिखा है बच्चों वास्ते की आज्ञा है अपने मापियां दे आज्ञाकार रहना है। हाँ जी पढ़िए क्यों जो ए धर्म दी गल है क्योंकि ए धर्म दी गल है ए विश्वास दी गल है ए मनन वास्ते सानू जरूरी है क्योंकि असी धर्म विच चलदे हैं असी विश्वास विच चलदे हैं असी प्रभु दे विच चलदे हैं और असी कह सकते हैं चलन का एक फैसला लिया है और धर्म की गल है मां और बाप की कदर करना एक धर्म की गल है एक परमेश्वर के वचन की गल है। हाँ जी तू अपने मां प्यो का आदर कर। हालेलुया हालेलुया की लिखा है तू अपने मां बाप का की है आदर कर। सो मैं जानता हाँ कि तुम सारे बहुत आदर करते हो और अज दे दिन तो याद रखना कि किते दिल नहीं करदा होवे आखे लगण दिल ना करे जाके मां बाप की गल तुहानू चंगी ना लगे ते फिर की करना है वचन नू याद करके ते अपनी कमी नू की है कढ़ना है। हाँ जी तू अपने प्यो मां प्यो दा आदर कर। हाँ जी अपने मां और बाप दा आदर कर भाई तेरा भला होवे। हालेलुया हालेलुया जे करोगे ते ओदे एबज दे विच तुहाडा की है भला होवेगा तुहानू बरकत मिलेगी तुहाडी उम्र लंबी होएगी और परमेश्वर दी आशीष तुहाडे जीवन दे विच काम करेगी। हालेलुया हालेलुया हाँ जी और धरती उत्ते तेरी उम्र लंबी होवे। हाँ जी की लिखा है जे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹਤਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਤੇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰ ਮਖੌਲੀਆਂ ਤਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਖੌਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮਖੌਲੀਆਂ ਤਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾੜਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪਰੰਤੂ ਛਲੀਏ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ
जो अपने मुंह दी राखी करता है, हाँ जी, वो अपने जान दी पालना करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ जी, की सुने है जी, जेड़ा बुद्धवान पुत्र है वो अपने बाप दी सिख्या नू की है स्वीकार करता है, मानता है, गल्लां नू समझता है और उसनू पूरा करन दी कोशिश करता है। लेकिन जेड़ा मूर्ख है, मुखौली है, वो अपने बाप दी गल नू सुनन वास्ते तैयार नहीं हुंदा। सो जे तुसी अपने वड्डियां दा, अपने बाप दी गल नू सुनदे हो ते अजीजो परमेश्वर दा वचन तुहानू बुद्धवान कहिंदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो वड्डियां दा सत्कार करना है, प्यो दा सत्कार करना है और सत्कार करके प्रभु दे कोल बरकत लैनी है। असीं वचन विच पढ़िया है कि इह भले दी गल है कि मां बाप दा सत्कार कीता जावे और इह कैसा दिया कि धर्म दी गल है। सो जिहड़े लोग करनगे उहनां दा भला होवेगा। बोलो हालेलुया। गल्लां नूं की है सुनना, उहनां ते अमल करना है, उहनां दे आखे की है लगना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हां जी, आइए वचन पढ़ांगे, कहोता 17 अध्याय उहदी 6 आयत। पोते बुढ़िया दा मुकट हन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैनू हालेलुया दा रिस्पोंस नहीं मिल रहा। हाँ जी, हाथ उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, की लिखा है? पोते अपने बुजुर्गों का की हुंदा है? मुकट हुंदा, शान हुंदी है। जिस तरह मुकट हुंदा है, इस तरह जिहड़े बच्चे है वो अपने वड्डियां दे वास्ते की है? शान हुंदी है, बड़े दी खुशी हुंदी है। बच्चे समझ लगी? हालेलुया, हालेलुया। की बनना है? बोलो, अपने वड्डियां दे वास्ते की बनना है जी? अपने बुजुर्गों दे वास्ते बोलो की बनना है? शान बनना है, उन्हां दी खुशी बननी है। और जे असी वड्डियां दा सत्कार करदे हां और उन्हां दा आदर करदे हां ते उन्हां दे मन नूं शांति आउंदी है, उन्हां दे मन नूं तसल्ली आउंदी है और उन्हां नूं चैन मिलदा है और उन्हां दी जिहड़ी कोशिश कीती हुंदी जिंदगी दे विच, उन्हां दे जो परिवार दे वास्ते कम धंधे कीते, जो कोशिशां कीतियां, जो उन्हां ने प्यार अपना वंडिया, उन्हां नूं भी इस चीज़ दा जवाब मिलदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, जिहड़े बच्चे है, जिहड़े पुत्र हन, जिहड़े कह सकदे आ कि पुत्रियां हन, उन्हां ने अपने कह सकदे आ कि वड्डियां दे वास्ते की करना है जी? मुकट बनना है, उन्हां दी खुशी नूं पूरा करना है, उन्हां दे आनंद नूं पूरा करना है। हाँ जी, पोते बुढ़िया दा मुकट हन। हाँ जी, अते पुत्रां दी शोभा उहनां दे प्यो हन। हालेलुया, हालेलुया। अचे बच्चां दी शोभा उहनां दे की है? बाप हन। जदों तिकर बाप बैठे हुंदे है उदों तिकर बच्चां नूं चिंता नहीं हुंदी, कुछ विगड़ जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई किसी तरह की भी गल हो ते इन बच्चों को यही पता होंगे कि इस चीज़ को साढ़े पेरेंट्स जोड़े है, साढ़े जोड़े बाप है वो मैनेज करे, यही हल कढ़े और इस चीज़ को बाप ही देखेगा। सो बाप की एक बहुत बड़ी शान है। दुनिया के लोग कहते हैं कि बाप एक सिर ते की है, शान है। और मैं इस चीज़ नूं बहुत देखदा हाँ कि जो बाप चले जाते संसार तो सचमुच जिहड़ा परमेश्वर का इंतजाम है वह फिर पता लगता है। सचमुच वचन याद हुंदा है कि बाप जिहड़ा है वह बच्चों की शोभा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाप बच्चों की की है? शोभा है। सो जो तिकर बाप बैठा हुंदा है और कोई फिक्र नहीं हुंदा है, और जो बाप सिर उत्ते नहीं हुंदा तो सारा कुछ आप ही करना पैंदा है। इस तरह होंगे ना? बोलो, सारा कुछ फिर कहते करना होंगे है जी? फिर बाप ने आन के कुछ नहीं करना। सो इस करके जो तक बाप बैठा है उसका कितना आदर किया जाए, कितना सत्कार किया जाए, मां का सत्कार किया जाए, बाप का सत्कार किया जाए, यह भले की गल है। परमेश्वर उन्होंने की कह रहा? मैं तेनों बरकत, बरकत की है देवगा, तू मेरे मेरे सन्मुख की है संपूर्ण हो, सिद्ध हो। सचमुच परमेश्वर की आवाज सुन के उन्हें उस गल नूं एक्सेप्ट किया, उस गल नूं उन्हें मान लिया कि परमेश्वर ने जो मैनूं आख्या है मैं उदा ही करांगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया,
और उस आवाज उत्ते भरोसा रखिया, उन्होंने शब्दों उत्ते भरोसा रखिया, उस वचन उत्ते भरोसा रखिया, और परमेश्वर ने उस वचन दे उत्ते भरोसा रखन दे सदके उन्हें बहुत बड़ा एक रुतबा दिता। बोलो हालेलुया हालेलुया। अब्राहम बेशक एक इंसान सिगा, सुनिए अब्राहम एक इंसान सिगा और परमेश्वर दे उत्ते जदों ने भरोसा किया, परमेश्वर दे उत्ते जदों ने प्रीत लाई और प्रतीत की, परमेश्वर ने उस गल दे वास्ते उन्हूं परमेश्वर ने ब्लैस किया और परमेश्वर ने उन्हूं एक कह सकते हैं एक इंसान होंदिया होया सारे ही धर्मी लोगों का की है बाप अपना दिता। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। असीं देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन पूरा करते हैं, असीं इस चीज़ को देखते हैं कि परमेश्वर जो वादा करते हैं और परमेश्वर सबर करना भी सिखाते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस की कहते सबर नाल भगती। बोलो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का दास की कह रहा है सबर नाल भगती तो वड्डी की है खट्टी है। सचमुच परमेश्वर दे दास ने बड़ी खट्टी नू प्राप्त कर लिया। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। साड़ी वर्गा इंसान सिगा लेकिन परमेश्वर ने उन्हें प्रॉमिस किया मैं तुहानू पुत्र देंगा, तेरे द्वारा बड़िया बड़िया कौमां पैदा होणगियां, तेरी संतान तारियां दे वांगू होएगी, तेरी संतान रेत दे जर्रे जर्रे रेत दे किणके किणके वांगू होएगी। किड्डा वड्डा प्रॉमिस है लेकिन अजे प्रभु ने किया नहीं है, वो इस चीज ते विश्वास कर रहा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। और इस विश्वास दे करन दे कारण परमेश्वर ने अब्राहम नू बहुत वड्डा रुतबा दिता, सारे धर्मी सारे संसार दे धर्मी लोगों का बाप ठहरा दिता। बोलो हालेलुया हालेलुया। सो सानू सीखण लई मिलता कि सानू भी परमेश्वर दे उत्ते बहुत भरोसा करन दी लोड़ है और परमेश्वर दे नाल नाल चलन दी लोड़ है। हाँ जी असीं पढ़दे हां क्यों जे अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीत की धर्म गिनी गई। बोलो हालेलुया हालेलुया। अब्राहम ने जे परमेश्वर से विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ी बरकत दी, सारे धर्मियों का उन्हें बाप बना दिता। बोलो हालेलुया हालेलुया। सो अजीजो असी वचन सीख के बरकत पा सकते हैं, वचन पूरा करके असी बरकत पा सकते हैं। सो सानू अज सीखने वास्ते मिलता है कि एक बाप है जिन्हें परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया और परमेश्वर ने उन्हें सारे धर्मियों का बाप की है ठहरा दिता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ जी आइए असी वचन विच पढ़ांगे यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय 7 8 और 9 आए। हाँ जी यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय जे तुसी मेनू जानदे तां। हालेलुया हालेलुया। हुण असी स्वर्गीय बाप दी गल सुणांगे। हाँ जी आत्मिक बाप दी गल असी सुण। हालेलुया। हाँ जी पास्टर कुलजीत हुणे कह रहे सीगे कि यीशु मसीह ने कहा मैं ते मेरा बाप की आ एक आ। इत्थे यीशु मसीह कहिंदे जे तुसी मेनू जानदे ते मेरे बाप नू भी जानदे, इहदा मतलब वी चेलियां नू यीशु मसीह सिखा रहा है कि तुसी मेनू अज फॉलो नहीं कीता। सो अजीजो सानू भी अज सीखने की लोड़ है। बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत बारी इस चीज़ पे वचन बोलिया है कि बहुत बारी असीं प्रभु नू छोटा समझते हैं, उहदी सामर्थ नू असीं ऐवें ही समझते हैं, उहदे वचनां नू असीं सुन लैंदे हां और असीं बड़ी रीझ नाल सुन लैंदे हां लेकिन उस नू दिल विच नहीं रखदे, दिल विच पूरी जगह नहीं दिंदे। सो बहुत बारी की हुंदा कि अजीजो असीं दुआ कराने साढ़े वास्ते दुआ करो जी और प्रार्थना करके सानू विश्वास करने की लोड़ है कि असी की प्रार्थना की है और असी जो वचन सुन रहे सानू वचन पर भरोसा करने की लोड़ है कि असी वचन जो की सीखे है और जो इस तरह करते हैं तो असी प्रभु नू जानते हैं, उहदी सामर्थ वाल साडा ध्यान जांदा है, उहदी सामर्थ के उत्ते साडा गौर हुंदा है। सो इस करके अजीजो यीशु मसीह कह रहा है तुसी मैनू जानिया ही नहीं और जे तुसी मैनू नहीं जानिया तो मेरे बाप नू भी नहीं जानिया। हाँ जी पढ़िए अगे तुसी ओनू जानदे अते ओनू वेख लिया है। हाँ जी तुसी देख लिया है जान लिया है क्योंकि जे तुसी मैनू देखिया तो मेरे बाप नू की है वेख्या है। हाँ जी
फिलिपुस ने ओनू आख्या, हाँ जी प्रभु जी, पिता दा पिता दा सानू दर्शन करा। हाँ जी, फिलिपुस चेला यीशु मसीह नु कह रहा के प्रभु जी सानू परमेश्वर दा दर्शन करना चाहने हैं, सानू दर्शन कराओ। हाँ जी, ता सानू तृप्त आओ, फिर सानू तृप्त आओ, फिर सानू शांति आओ, फिर सानू तसल्ली आएगी। हाँ जी, यीशु ने ओनू आख्या, यीशु मसीह ने फिलिपुस नु आख्या, फिलिपुस एने चिर तो मैं तुहाडे नाल हां। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कह फिलिपुस नु कह रहा है, इन्ने समय तो मैं तुहाडे नाल हैगा, आपां इकट्ठे रहिंदे हैगे आ। हां जी, अर की तैं मैनू नहीं जानिया, की तू मैनू जानिया ही नहीं है। हां जी, जिन मैनू वेख्या, हां जी उन पिता नु वेख्या है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कह रहे, जिन्ने मैनू देख्या है उन्ने मेरे पिता नु भी की है वेख्या है। हां जी, पढ़िए, तू किको आखदा है, तू किस तरह आखदा है भई सानू पिता दा दर्शन कराओ। तू ए गलू क्यों कह रहा है कि सानू पिता दा दर्शन कराओ? यीशु मसीह कह रहा है, फिलिपुस नू कह रहा है कि तेनू समझ नहीं आई कि तू ए गल कह रहा है कि मैं पिता दे दर्शन करना चाहना, असि पिता दे दर्शन करना चाहते हैं। सो यीशु मसीह कह रहे हैं, जे तुसी मैनू देखिया है तो मेरे बाप नू भी तुसी की है वेख्या है, तुसी अज तक भुलेखे विच क्यों हैगे हो? हाँ जी, की तू सच नहीं जान मंदा? हाँ जी, जो मैं पिता विच और पिता मेरे विच है। हाँ जी, ए गल्ला जेड़िया मैं तो हनु आखदा हाँ। हाँ जी, आप तो नहीं आखदा। हाँ जी, पर पिता मेरे विच रहंदे अपने काम करदा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते, मैं जो भी कह रहा ये पिता दे वलों कह रहा, पिता मेरे विच काम करदा है, पिता मेरे मेरे द्वारा अपनी सामर्थ नु दिखा रहा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय लगी है? हाँ जी गोविंद जी, समय लगी? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कह रहे, जिन्हें मैनू देखा है उन्हें मेरे बाप नू देखा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह ये कह रहे कि जो मैं काम करता हाँ ये मेरे बाप के द्वारा हो रहा है, मेरा बाप मेरे द्वारा काम कर रहा है, मेरे बाप की सामर्थ जड़ी है वो प्रगट हो रही है। सो अजीजो, पिता ने पुत्र दे पुत्र दे द्वारा इस धरती विच आण के और साडे नाल इंसानां विच वास कीता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, वचन विच असीं पढ़दे हां यूहन्ना दी अंजील 1:18, पिता नू कदे भी किसी ने नहीं देखा लेकिन पुत्र दे द्वारा पिता की है प्रगट हो गया। सो अजीजो, यीशु मसीह इस पिता इस धरती उत्ते आए, पुत्र दे द्वारा इस धरती उत्ते आए और उन्होंने आण के सारे संसार दे विच आण के सारे संसार दे बोझ नू की है चुक लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आइए असीं इक होर वचन पढ़ांगे, यूहन्ना दी अंजील 14:2 आए थे। मेरे पिता दे घर विच, हाँ जी, बहुत सारे निवास हन। मेरे पिता दे घर विच बहुत सारी जगह हन, बहुत सारी प्लेस हैगी, बड़ा निवास हैगे आ। हाँ जी, नहीं तो मैं तुहानू कहंदा, नहीं तो मैं तुहानू इस गल नू कहंदा। हाँ जी, क्यों जो मैं तुहाडे लई, हाँ जी, जगह तैयार करन जांदा हां। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, यीशु मसीह ने की आख्या, मैं जा रहा और मेरे पिता दे घर विच बहुत सारी स्थान हन, ओ मैं तुहाडे वास्ते जगह तैयार करन वास्ते जा रहे हैं। सो इस करके यीशु मसीह जदों इस संसार उत्ते गए, अजीजो यीशु मसीह ने आख्या, मैं तुहाडा करके जा रहा हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किथे जा रहे हैं? अपने पिता दे कोल जा रहे हैं। सानू विश्वास करने की लोड़ है। सो यीशु मसीह इस संसार उत्ते गए और जाके वो धर्मी लोगों के वास्ते जगह नू तैयार करने वास्ते काम उन्होंने काम किया। सो काम कर रहे हैं। सो अजीजो, वो पिता दे कोल चले गए और पिता दे जाके सज्जे हाथ जाके विराजमान हो गए। बोलो हालेलुया। आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नित आती है। कहिए, आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नित आती है। प्रभु हमारा है कितना महा, देखो हमसे
से करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। तो तेरा आराधना ऊपर जाती है, आशीष दे जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। करवानी है, अपना हाथ उठाइए, अपने परमेश्वर नाल गल करिए, पिता नाल गल करिए, स्वर्गीय पिता नाल गल करो। वचन विच लिखिया सौंदा ते अंगलौंदा नहीं है, हर वेले अपने बच्चों की आवाज सुनने वास्ते तैयार हैं। स्वर्गीय पिता अपनी बहुत वड्डी जिम्मेवारी नूं पूरा कर रहे हैं, पूरे संसार के लोगों की आवाज नूं सुनना कैसा दे, अपने बहुत सारे वादियां दे नाल हमेशा ही पूरे संसार की आवाज़ नूं सुनदे है, हाँ दे उत्तर विच जवाब देंदे है। सो जिहड़े लोग विश्वास करदे अब्राहम की तरह विश्वास करदे अजीजो, वो बहुत सारिया बरकतों नूं प्राप्त करदे है। सो इस करके बीमारी परेशानी दुख दर्द संकट किसी तरह का भी बोझ और किसी तरह का भी नशे दे विच फसिया है इंसान, पाप दे विच फसया इंसान प्रभु दे कोल आण के हर बंधन टुट जांदा है। यीशु मसीह ने आख्या मेरा जूला मुलायम है, मेरे जूले थले आओ। सो जिहड़े लोग प्रभु दे जूले थले आ जांदे है, पिता दे परमेश्वर दे जूले थले आ जांदे, अजीजो ओ लोग आण के स्वर्ग वास्ते तैयार हुंदे है, उन्हां नूं शांति मिलदी, तसल्ली मिलदी, एक आस वाला जीवन मिलता है। सो आइए अपने हत्थां नूं उठा के परमेश्वर नाल गल करिए, तुहाडे वास्ते प्रार्थना की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन सेवकां नूं अथॉरिटी दिंदा है प्रार्थना करने वास्ते। और लिखा है कि जिस भी
गल दे वास्ते तुसी प्रार्थना करोगे, जो भी तुसी धरती ते बनोगे स्वर्ग विच बज जाएगा, जो तुसी धरती ते खोलोगे उस स्वर्ग विच भी खुल जाएगा। सो इस करके इस वचन नूं याद करदे हुए असी प्रार्थना करांगे। आइए हाथ उठाइए, धन्यवाद करांगे। धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद राजा प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु दे प्रभु अत महान प्रभु जी तुहाडा शुक्र है, हालेलुया। तुहाडे अगे बेनती करदे हां, तुहाडे अगे प्रार्थना करदे प्रभु जी, अज आराधना करन वास्ते साडी मदद कीती है, असीं तुहाडे धन्नवादी हां, असीं तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हां। बेनती करदे प्रभु जी अज दे दिन विच तुहाडे वचन चों सिख्या है और प्रभु जी जिस्मानी तौर ते सिख्या है, रूहानी तौर ते सिख्या है, तुहाडे वचन दे विच सिख्या है। प्रभु जी तुहाडा वचन सानूं सिखाउंदा है कि असीं अपने बाप दी इज्जत करिए, असीं वड्डियां दा सत्कार करिए और असीं प्रभु जी तुहाडे वचन नूं मनीए और तुहाडा खुदावंद वचन लैके चलीए। जीवन विच दुख है सुख है हर हाल विच चलीए। पिता जी तुसीं आशीष दिओगे, पिता जी तुसीं एक दिन स्वर्ग विच लैके जाओगे, तुहाडा धन्नवाद। बेनती करदा जो भी भैणां भाईआं ने अज वचन सुनिया एक एक नूं बरकत मिले, जो नहीं आ सके उन्हां दे वास्ते भी आशीष चाहुंदे। पिता तुहाडा धन्नवाद, सारे लोकां वास्ते धन्नवाद करदे जिन्हां लोकां ने प्रभु जी वचन नूं तुहाडे प्रभु जी यूट्यूब द्वारा सुन रहे ने, उन्हां नूं भी बड़ी सारी बरकत मिले, उन्हां नूं बड़ी सारी आशीष मिले। और खास करके दुआ है प्रभु जी, बेनती है जो भी भैणां भाईआं ने अपने हत्थां नूं उठाया है प्रभु जी, तुहाडे तों मंगदे दुख दर्द नूं दूर कर दिओ, परेशानी दूर कर दिओ, हर तरह का बोझ दूर कर दिओ, हर बंधन नूं तोड़ दिओ और किसी तरह का भी कोई मनोरथ है यीशु मसीह दे नाम विच पूरा हो जाए। धन्यवाद, यीशु नासी दे नाम विच पूरा होवे, यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमेन। हाँ जी, सब नूं जय मसीह की, जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। अज दे मैसेज वास्ते धन्यवाद करांगे जो असी खुदा दे सेवका पास सुनिया है, खुदा ने अपनी बरकत दी है, परमेश्वर के जरिए असी बरकत पाई है, खुदा दे का पाक कलाम के द्वारा बरकत पाई है, सेवका के द्वारा बरकत पाई है। जोरदार ताली आके प्रभु का धन्यवाद करांगे, प्रभु की महिमा करांगे। हालेलुया प्रभु। आओ प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि पिता शांति राज माता धन्यवाद करते, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते, तेरी महिमा वो करते प्रभु मेरे परमेश्वर सैनिक की हवा ताड़ धन्यवाद करते। हालेलुया, इस मैसेज लिए ताड़ धन्यवाद करते प्रभु यीशु, ताड़ धन्यवाद करते, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते। अज के मैसेज द्वारा सब लोग बरकत पाउन, आशी पाउन, प्रभु यीशु ताड़ धन्यवाद करे। एक लिए प्रार्थना करते जो तेरे अगे सिर चुका के बैठे हैं, सब नूं बरकत दो, आशीष दो, यीशु नाम च मंगते हाँ, आमीन। हालेलुया, हाथ उठाते हुए हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हाँ जी, आखिरी भजन असी गोस्पल सिंह रेमका संतों मिल के गावे, परमेश्वर की बड़ाई करांगे। दुनिया में सोया हुआ था, अनाथ था, तूने बेटा कहा, बाहें पसारी कहा, आ जा यहां। ओ साडा पिता परमेश्वर अपनियां बाहवां नूं फैला के सानू अपनी बुक्कल दे विच लैणा चाहुंदा है, जिस तरह साडे जिस्मानी पिता सानू अपने गल दे नाल लाउंदे हन। भटका हुआ था, कहा आ जा यहां।
खुदा मैं जाता कहाँ, तू ही है मेरा जहाँ, जाता मैं
हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करें हालेलुया के धन्यवाद करें हालेलुया और प्रार्थना करांगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर नादी पिता शांति राय की माता धन्यवाद करते हैं तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते हैं तू महान है तू सच्चा है तू जिंदा है तू अच्छा है पिता परमेश्वर धन्यवाद करते इंसान तेरे हाथों की रचना है तू इस करके बनाया कि वो तेरी बड़ाई करे तुसी आप आख्या है कि मेरी पास न करो मैं अनजलत बरकत देवगा अनजलत बरकत दे के तेरे बीमारी खड़ देंगा तुसी क्या मेरी उपासना करो मेरी वड्याई करो मेरी महिमा करो पिता परमेश्वर असं मिलकर सारा जलाल सारी महिमा सारी वड्याई तेरे नाम नूं दिंदे हां जो भी तेरी शान से तेरी हजूरी में गायब जाए प्रभु ताड़ धनबाग तेन स्वर्ग राज पसंद आए प्रभु ताड़ धनबाग कर पाक द्वारा अपने मैसेज के द्वारा साढ़े ने गलबात की है ताड़ धनबाग कर दी अपने सेवकों ने होर भी अपने काम लिए अपनी हिस्से वाली इस्तेमाल करना प्रभु मेरे परमेश्वर जिन भी लोग इस जगह इकट्ठे हैं बच्चे बुजुर्ग जवान सब लिए बरकत मांगते आशीष मांगते इस दान वास्ते जो अजीजना तबदा के दिता नेक मच अपने घर से कबूल करना इस दान वास्ते तेरा धनबाद करते हैं प्रार्थना मांगते एक न बरकत देना आशीष देना प्रभु यीशु ताड़ धनबाद कर दे हालेलुया बख्श दो हजे तड़े नेक और जलाली कमली सर्व किया जाए ये वसीले ना बहुत सारे बच के तड़े गले चैन आकाश दी खिड़कियां खोल के एक न बरकत दियो आशीष दियो प्रभु यीशु मसीह इतों तक बरकत दियो कि रखली जगह ना हो तेरा पाक कलाम सच्चा है प्रभु मेरे परमेश्वर के जीवन च पूरा होने दुआ कर दे प्रभु यीशु ताड़ धनबाद कर दे हालेलुया आने वाला समा फलक एक बेहतरी तरक्की होती शाला जीवन देना सदीप जीवन दे राज साड़ी सब जे अगवाई खाना शतान दे खंभां अंदर प्रभु यीशु सारी संगत दे साथ होना प्रभु यीशु ताड़ धन्यवाद धन्यवाद साड़ी दुआन सो लिया कबूल किया यीशु नाम च मंगदे हां आमीन धन्यवाद सब नूं जय मसीह की